भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है और मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर जो हो रहा है उत्तर प्रदेश। 7,12,000 करोड़ रुपये के हमें निवेश के प्रस्ताव वहाँ पर मिले। उसके बाद जब घरेलू रोड शो की बात आई तो जो आर्थिक नगरी है मुंबई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसकी भागदौड़ संभाली और हम लोग भी साथ में गए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, महिंद्रा, गोदरेज, जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं उन लोगों ने भी बड़े उत्साह के साथ 5,00,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव दिए। फिर दिल्ली में रोड शो हुए, मैं गया वहाँ पर 3,00,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव का। फिर उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्री है, चाहे DS ग्रुप हो, चाहे हल्दीराम हो, चाहे KHR हो, जो इंडस्ट्री की का निर्माण है, ये सारी इंडस्ट्री है, कोकाया बैटरी और एक्शन सूज, ये सारे लोगों से हम लोगों ने चर्चा की। 79 लोगों ने 76,687 करोड़ रुपये के प्रस्ताव। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल मुख्यालय पर देश के प्रत्येक जिले में जिस तरह से उत्साह है, निश्चित रूप से जो हमारा 17,00,000 करोड़ का टारगेट था, पहले 10,00,000 था, 7,00,000 और बढ़ा है 17,00,000 करोड़ का टारगेट, लेकिन जिले जिले में जो उत्साह है, आज मेरठ की ही बात करें तो हर कोई अपने प्रोडक्शन को 2 गुना करना चाहता है, कोई मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे जाना चाहता है। ये निश्चित रूप से हम अपने टारगेट से 110% 120% बढ़ा करेंगे, 20,00,000 करोड़ निवेश। आज हमारे पास जो उत्तर प्रदेश में इतना निवेश आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2017 में जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित, बहुत जल्दी 14 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त होगा उत्तर प्रदेश। पिछली सरकारें जहाँ जेवर आप देखते थे केवल चुनावी योजना की तरह चुनाव की तरह बाहर आता था, फिर वापस चला जाना चुनाव के बाद, उसमें कोई मतलब नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट जो आज तेजी से काम चल रहा है, 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में उसके उड़ाने भरना शुरू हो जाएगा, ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो देश के जो रोड कनेक्टिविटी में जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है उसका 37.7% हमारे पास। मेरठ टू प्रयागराज जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 6 और एक्सप्रेसवे का 50% एक्सप्रेसवे से ज़्यादा, भारत के पूरे एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से 50% ज़्यादा हमारे पास एक्सप्रेसवे है। 1153 किलोमीटर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो हमारे पास उपजाऊ जमीन है। 25 करोड़ आबादी के साथ हमारे पास खपत का बहुत बड़ा मार्केट है। इन सभी कारणों से लॉ एंड ऑर्डर, आपने देखा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चली, जो गुंडे अपराधी माफिया हमारे इंडस्ट्रीज को, आम जनमानस को डराते थे, या तो जेल के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, कुछ तो प्रदेश से दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए जहाँ से आना असंभव। तो निश्चित रूप से जो इस तरह का माहौल है इसमें उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री रोजगार के नए रास्ते बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो वहाँ आस पड़ोस बहुत विकास होता है और बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलते हैं। अब तो जो इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री अपने कैंपस में ही ट्रेनिंग सेंटर, और वो चाहते हैं कि गांव के आसपास के लोग को ट्रेन करके हम अपने यहाँ लगाएंगे, तो हमारे पास मतलब कम पैसे में अच्छे कुशल कारीगर मिलेंगे। और आपने देखा कोविड के समय जो भी अप्रवासी उत्तर प्रदेश के जो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर गए थे, वो आए तो उनकी मैपिंग कराई गई, तो हमारे पास अच्छे मैन पावर भी हैं, इसलिए हमारे पास इंडस्ट्री आ रही है। थैंक यू।